लगातार खबरों के लिए बेल आइकन दबाइए, हमारे साथ जुड़े रहने के लिए न्यूज़ 29 इंडिया को सब्सक्राइब कीजिए। नमस्कार, स्वागत है आप सभी का न्यूज़ 29 इंडिया में। मैं हूं आपके साथ प्रिया शर्मा। डिंडोरी जिले की ग्राम पंचायत मोहतरा में सरकारी राशन दुकान में खाद्यान्न के गोलमाल किए जाने का मामला सामने आया है। यहां के सेल्समैन राजू राव ने करीब 100 हितग्राहियों को अक्टूबर महीने का राशन वितरण नहीं किया है। ग्रामीणों ने बताया कि राजू राव ने सभी का राशन कार्ड जमा कर लोगों के घर घर जाकर फिंगर मशीन में फिंगरप्रिंट ले लिए थे और सभी के राशन कार्ड में वितरण दर्ज कर दिया था। ग्रामीणों ने जब अक्टूबर माह के राशन की मांग की तो सेल्समैन ने सभी को राशन वितरण करना और राशन कार्ड में दर्ज कराना बता दिया। आज भी जब ग्रामीण राशन लेने उचित मूल्य दुकान पहुंचे तो सभी को राशन वितरण किए जाने के बाद कह दी। इससे आक्रोशित ग्रामीणों ने नायब तहसीलदार करंजिया को मामले की जानकारी दी। मौके पर पहुंचे तहसीलदार ने ग्रामीणों की समस्या सुनी और शिकायत के संबंध में ग्रामीणों ने ज्ञापन भी सौंपा और मामले की जांच कर अक्टूबर माह का राशन दिलाने की मांग की। तहसीलदार ने सेल्समैन की जानकारी ली। सेल्समैन के अनुपस्थित होने पर खाद्य विभाग के अधिकारियों को जांच करने और दोषी पाए जाने पर सेल्समैन पर कार्रवाई करने के साथ ही अक्टूबर माह का राशन दिए जाने का भरोसा ग्रामीणों को दिया। ब्यूरो रिपोर्ट न्यूज़ 29 इंडिया। जी भैया, क्या समस्या है और क्या कार्रवाई की जा रही है? ये जो समस्या मध्य प्रदेश के पूरे 52 जिलों में ऐसा समस्या आता है छोटा छोटा, और ये समस्या जो है ये बहुत गंभीर समस्या है। जब से कांग्रेस की सरकार आई है, कहीं सत्यापन के माध्यम से गरीबी रेखाओं से लोगों के नाम काटे जा रहे हैं तो कहीं गरीब लोगों के साथ छलावा किया जा रहा है। ये अक्टूबर माह की जो राशन है ये हमारे लोगों को दिया नहीं गया है और सरकार के सेल्समैन के द्वारा ये ब्लेम लगाया जा रहा है, झूठ बोला जा रहा है कि राशन दे दिया गया, जिसके कारण ये जो भीड़ है अपने राशन लेने आई थी। और इसमें हम लोग तहसीलदार साहब को ज्ञापन भी दिया है और ज्ञापन के माध्यम से तहसीलदार साहब के ज्ञापन के माध्यम से हमने सरकार को आह्वान भेजा है कि ऐसा अत्याचार हमारे लोगों के साथ ना किया जाए। क्या नाम भैया? मेरा नाम राजकुमार मोंगरे, भारतीय जनता पार्टी के मंडल का अध्यक्ष हूँ। और इस नाते यहाँ कार्यकर्ताओं का फोन आया और सूचना मिलते ही हम लोग ने वस्तुस्थित स्थान तक पहुँचे और ये मामला आदरणीय तहसीलदार के माध्यम से सरकार तक पहुँचाने का काम करें। बने रहिए न्यूज़ 29 इंडिया के साथ, एक देश सारे प्रदेश।